नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी बैंकिंग सुविधा का लाभ अपने WhatsApp पर ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट में 90226 90226 इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लेना है, वो भी अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको WhatsApp बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले एक SMS भेजना पड़ेगा आपको, WARREG लिख कर स्पेस देंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उस मैसेज को आप भेज देंगे 7208933148 पर। मैसेज भेजने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आप WhatsApp बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद आपको अपना WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp ओपन करने के बाद आपको जिस भी नाम से आपने वो नंबर को सेव किया है WhatsApp के, उसको आप चैट ओपन कर लेंगे और हाई मैसेज को टाइप करके सेंड कर देंगे। हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, इसलिए हमारे सामने सीधा तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है गेट बैलेंस, जिस पर आप क्लिक कर बैलेंस चेक कर सकते हैं। सेकंड है मिनी स्टेटमेंट, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स WhatsApp पर शो हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन जो कि है शो मोर ऑप्शंस, ये मैं आपको साथ में करते समय बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले गेट बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने बैलेंस शो हो गया है और यहाँ पे हमें मैसेज प्राप्त हुआ है कि हमें और क्या देखना है। तो चलिए अब हम सेकंड ऑप्शन यानी कि गेट मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने मिनी स्टेटमेंट आ चुका है। अब हम चलेंगे थर्ड ऑप्शन पर। शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। एक है जो कि डी रजिस्टर करने के लिए, जैसा कि आप WhatsApp बैंकिंग सुविधा के लिए आपने मैसेज भेजकर रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आप चाहते हैं कि आपको अब यूज़ नहीं करना है या आप चाहते हैं कि कोई अगर आपका WhatsApp ओपन कर ले तो उस पर SMS सेंड कर आपका बैलेंस और ट्रांजेक्शन देख सकता है, आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई आपका देखे, तो आप इसको डी रजिस्टर भी कर सकते हैं। क्लोज सेशन, आपको ये जो आपने अभी चैट करी इसको एंड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और गो टू मेन मेन्यू करेंगे तो आपको जो सबसे पहले मैसेज में शो हुआ था गेट बैलेंस मिनी स्टेटमेंट और शो मोर ऑप्शंस का, वही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि हम कैसे डी रजिस्टर कर सकते हैं। आपसे कंफर्मेशन करेगा कि आप सर्विस के लिए डी रजिस्टर करना चाहते हैं, यस पर हम कंफर्म कर देंगे। डियर कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली डी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस। तो इस तरीके से हम अपने WhatsApp पे ही बिना YONO SBI या YONO SBI Lite ऐप डाउनलोड करके या नेट बैंकिंग में लॉगिन करके हम बड़े आराम से अपने WhatsApp पे ही बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी YONO SBI से संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने ऐप की सभी बारीकियों को कवर किया है, तो आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा।